हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? गुरु की भाई, सब के सब ठीक हो गए। और सुबह के 9 बजने वाले हैं और आज हम हो लिए हैं तैयार। जाड्डा हो रहा है गाना, पर जाड्डे में फिर वो ही बात है, थम्बया कौन गया। मैं सार्थक, सार्थक भी हो लिया तैयार। आज हम जा रहे हैं सार्थक के मामा के घर। और वैसे तो मैं 9 बजे तक कुछ भी काम ना करा करूँ थी, लेकिन आज मैंने सारा कर दिया जान की खुशी में मायके। तो ये भी यहाँ तक बस आओगी, सीधे बस में बैठ कर वहाँ पे उतरेंगे, इसलिए जल्दी जाने की तैयारी कर ली, नहीं तो दिन में भी जा सके थे। पर सार्थक मानना नहीं, बोला मम्मी लेकर जाना है भाई, बच्चा ना होया एक मामा का जाने का छुट्टी में। के सार्थक कुछ नहीं, मैं माइके कुछ बोल, नहीं। सार्थक बोल रहा है मैं माइके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो भाई अब चलना। तो यहाँ पर हम हो गए थे अड्डे पर खड़े। ये है वेसरगांव का बस स्टैंड, मन तो पहली बार देखा, क्योंकि पहली बार मैं गांव में तब बस में बैठ कर गई हूँ। इससे पहले हम अपने साधन में मतलब उड्डे थे जा करते, जहाँ तक पानीपत वाली बस लेनी पड़ी थी। लेकिन पहली बार ऐसा होया जो हमने सीधा गांव में तब बस में बैठना था वो सीधी संभाल कर जावो। तो हम बस में बैठ लिए थे। जाडा हो रहा था तड़की तड़क चोखा, उन्होंने बल्कि शाल तो लिया नहीं, सूट का स्टोल सा था। ये था मगा कि बस में जाना कौन सा, बाइक पर जाना जो हवा लगेगी। तो सार्थक बहुत खुश हो रहा था। ओ या करा भी बच्चे ने छुट्टियां मम्मा मामा का जान का बहुत ही माया होया करा, मामने भी होया करता जब हम छोटे थे। तो ये अपना गांव में तो बैठे थे, ज्यादा सवारी नहीं बदलनी पड़ी, तोड़े पहुंच गए थे, समालखा पहुंच गए थे हम। समालखा फिर बस में बैठ लिए थे। और जगह जगह एक खास बात यह थी, ये आग सिलगा सिलगा के जगह जगह को तीसिकण वन रहे थे आदमी, क्योंकि सर्दी ज्यादा भी, ये पॉलीथीन वगैरह पड़ी रहो हम बेचारे इन्ने बाल रहे थे, थोड़ी बदबू ही भी हो रही थी पोल्यूशन सा। तो ये फिर हम अपने गांव वाली बस में बैठ लिए थे। ये रास्ता बता सको था हम कौन से गांव का, जो सी देख दियो पहचान लियो गांव ने भी अपने। तो एक मारे घर जान दैनी ना, मतलब रास्ते में संभाल खेत चल दी साथ झील सी बहुत आवे हैं। बात बात करते करते जो हमारा स्टॉप था उसका अगले स्टॉप उतरना पड़ा, बल्कि हमने याद ही नहीं रहा, याद तो था भी सार्थक एक ना खड़ा है कौन होया, मगर भाई तो अगले पे उतरना पड़ेगा, था तो गांव का वो भी लेकिन जो है पुतरा करो उसका अगले पे उतरना पड़ गया। कितना बड़ा हो गया भाई, कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा रहना था, तू भी तो बड़ी हो गई। इस पर चश्मा क्यों लगवा दिए? जरा फोन देखा था तुम का बच्चा। तो यहाँ पे मेरी माँ खड़ी थी, वो बेचारी ने सब पता नहीं था, मैं उसकी वीडियो बना रही थी, उन्होंने बोली मैंने कपड़ा सही कर लें देख वह फिर पुचकारूंगी फिर बनाइए, वैसे तो सीधी पुचकार दे, लेकिन ये था इसका कि फिर पुचकारूंगी। तो यहाँ पे मेरी माँ देख रही थी, मैंने इसका सूट सिल लिया था, इसने मेरे पते लिया था यो, तो उन्होंने बोली बेबे कलर तो को 30 साल लिया दिया लगेगा लाइट अंधेरे में, क्योंकि बोले मेरे जैसी लुगाइया का बढ़िया लग रही है, किसकी खास है आदत बताऊं के है, नीचे का जर्सी पैर है ऊपर का नहीं पैर दी, कोई तो ऊपर का पैर कर रहे है, लेकिन मेरी माँ भी नीचे का पैर है। तो वो या कर लुगाइया ने थोड़ा हा, ये बच्चे आ गए थे रास्ते में, मिल गए थे सार्थक ने, और ये मेरा छोटा भाई है जयंत, खुश हो गया था, मतलब वो है नहीं करा बच्चे ने कभी साथ में खेलने वाला हो गया कोई। तो ये था इसका कि इब तो मैं इनके साथ मजे तक खेलूंगा, बच्चा मोया ही कर अभी थोड़ा बहुत। तो गाइस घर आने के बाद रोटी खा ली है, चाय पी ली है, मेरी माँ ने खवाई थी रोटी वो कह, और मेरी मां से इसने बेचारी नोनी मेरा वीडियो
कुकर के बनया कर चा नड़ाओ मगना सेवा कर दी मेरी मान मेरी पूरी। इसका फोन क्या आगे ज्यादा बोलिया नहीं जानता हाथ ही छूटा इसका तो खाली। तो ये थोड़ी आन अपना रुके मार दिए लुगाइया ना पड़ोस में गुड़ा बैठू हूं और मेरी मां हंस है मैं बात सारी सब सुनाएंगे मेरा है दर्द दे फिर दूध कर मेरी माँ मेरी माँ तो मैंने खा ली एक बात बताई माँ काम दिखाया अगर तो बैज बैज का काम करे गाइस बैज बैज का काम करा ना कोई दूध दूध जो भी नो करो बेचारी बात भी करे अगर माँ सारे की राम राम तो कर दे सब तय सब तय राम राम सब की सब की बेबे छोटी बढ़िया की राम राम ये देखो भाई दोनों मामा बन जा जयंत किसका मामा रे तू इसका और मेरा भाई मेरा सबसे छोटा भाई है यो। और क्या करोगे चीज खाओगे क्या चीज खाओगे पिज्जा पिज्जा कितने ले आओगे भाई थारा फेस सही दिख रहा है ना इनकी लाइटिंग ही का हो रहा है यो मारा घर है माँ आ रही है ये घर पे ये मेरी माँ है कपड़े उतार रही है क्या की कपड़े की सीधे बूढ़े आदमी का भाई ये होया अगर जब तो हम भी अपने माँ बापा पे जा रहे हमारे माँ बाप भी थोड़े सीधे तो हमने भी इतनी चापलूसी नहीं आंदी तो बेचारी ने मतलब सीधे स्वभाव तक बुलाई मैंने उस जैसे सिंपल तरीके से होता मैं काम कुम कराया करो वो दिखाया करा तो उसका इनू होगी अगले मन राय काम कर दूंगी और तू मन दिखाया जाइए भी मामा फिर इस तरह थोड़ा बाद मरनी होएगी तो मखाई इसका थोड़े बहुत पीसिए मल्या करें बाद में मिलेंगे मखाई बतो मिल दे नहीं तो बोली मैं तो गुणे काम कर दूंगी कती तू मैं ना सारा दिन ना मैं आराम नहीं करती तू मैंने दिखा जाइए तो बेचारी भाई बहुत सीधी मारी माँ इतनी सीधी है देख लो जर्सी ना कोई तो ऊपर का पैर अगर या बेचारी नीचे का पैर ले है ना करना नीचे का ही सही है बोला नीचे का गर्म रवे है ये मत सोचियो भी कोई एक मतलब माँ की इस तरह मतलब बेइज्जती टाइप में करी ऐसा कुछ नहीं है भाई सीधा आदमी भी कोई इंसान हो अपना काम चला कोई वो थोड़ा है कोई वो है यहाँ पर सार्थक खा रहा था कुकड़ी इसकी नानी ने इसके लिए पहले ले आकर रख ली थी क्योंकि वो है नहीं करता थोड़ा भाई मेरी माँ अपना इतनी साफ सफाई सी नहीं होती सारे का साफ सफाई की देखिए भाई घर हमारा छोटा है इस वजह से इस बात का भी कोई मजाक मत बनाइए कि सा घर है छोटा है अरे काफ़ी पुराना है कम से कम भी बहुत पुराना सा घर है ये 30-35 साल पुराना पुराने की भी देखी जाए छोटा ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पर कुछ बात कर रहे थे तो हंसी आ रही तो गाइस मेरी मां कह रही है बोला मैं कुछ कहूँगी जब तो मेरी वीडियो बनाओगी तो इसने पता कौन को के बना कर अंदर ही हंसी छटवा रही है भाई घर आके भी मतलब कति एक नंबर का मजा आया जा अपने पूरा जी लग गया है हाँ जी तो सब बनने लगेगा है वो जयंत जी तो सब लगेगा सही बात है देखो मेरा भाई भी कह रहा है जी तो सबका लगेगा तने भी लेनी है कि या कुकड़ी अच्छा सही बात है भाई के दौरा तो आके भाई सबका जी लगेगा ना है अक नहीं जयंत मेरा ना मेरे भाई दौर मेरे भाई जयंत के दौरा तो कति गाना मन लग रहा है क्यों भाई तो गाइज थोड़ी देर के बाद मिलेंगे अब मेरी माँ अब मेरी माँ की के करवाऊं वार करवा दी एक संदूक तो ये भरी हुई है मेरी माँ की सूटों की
जिसमें कि कैसे कैसे सूट है माँ हजार ही का ये सूट किसने दिया माँ आपकी मम्मी ने किसने तेरी मम्मी ने पहले के कौन दिया तेरा आपकी मम्मी नहीं लागती हुआ मम्मी मम्मी कौन होया कर मम्मी ने मम्मी का दौर के जयंत जयंत ने ऐसी ब्लेंडर टूट रहा है तो संदूक में घेर दे मेरा ब्लेंडर टूट रहा है संदूक में घेर रखा है ये संदूक में घेरन की चीज जो तू घेर रही है और क्या दिखाऊं थोड़ी बता दे मैं सूट दिखा दे किसे किसे ले रही है सूट नहीं देगी मैं रही हूँ यो ये सब तक नरवाल पे आ चुका है गाइस देखो अब ये सूट काट रहा है ये अभी खा रहा है कति खा रहा है देखो भाई जान ये तेरी ताई के सूट है पिछू चूल्हे आगे बैठे मैं मेरी माँ चूल्हे का एंजॉय ले रही है के बना माँ क्या बना खीर बना रहे हैं और चूल्हे के आगे सीखने लग रहे हैं बच्चे खेलने लग रहे बाहर गाड़ में आग बाल का चूल्हे आगे मजा आ गया अपना भाई ये था सीधा साधा व्लॉग सा अपने घर जाने के बाद जो थोड़ी बहुत क्लिप ली थी ज्यादा ले नहीं पाई मैं ये थोड़ी बहुत ली थी सोची बल्कि ये थी बढ़िया बढ़िया व्लॉग बनाऊंगी तो वही बात है याद नहीं रहता इतना बस उठा बैठी ही रही रवे है व्लॉग किसा लगे बता दियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दियो भाई सीधे साधे आदमी आते ही भी